सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई आज फिर से एक नए व्लॉग की शुरुआत की जा रही है और हमारे यहाँ आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फुल डे, लेकिन उस समय को मतलब नहीं है। अभी हमारे एग्जाम्स ओवर हुए, आज स्कूल जाना था। मैं भाई पास हो गया बढ़िया 11th में, तो आज से स्कूल्स खुल रहे थे, मैं आज गया नहीं, मंडे से जाऊँगा इसलिए, क्योंकि भाई आज हमें जाना है हरिद्वार, क्योंकि एग्जाम्स खत्म हुए हैं यार, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ चाहिए था। तो हम हरिद्वार जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं ये सब आपको देखना पड़ेगा। डुग्गी, एक मिनट भाई, तुम्हें डुग्गी भाई से मिलवाते हैं और बाकी कौन कौन जा रहा है वो भी देख लो। तुम पुरानी वाली टीम नहीं है लेकिन थोड़ा सा है उनका योगदान। तो भाई अभी फिलहाल तो यार मस्त सुबह हो चुकी है, बाकी सबसे पहले हमारे साथ में कुणाल भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, राम राम भाई सबको। सबको भाई राम राम। और भाई कहाँ जा रहे हैं हम? हरिद्वार। अरे अपना दूसरा ही गाँव है। कोई ना, चलो पहले तुम मिल लो कुणाल से भाई, फिर मिलेंगे डुगी भाई से, मेन बंदा। ठीक है, तो हम चार हैं, बाकी बिरजू अंकल हमारे, जागेश्वर अंकल और डुगी और कुणाल, हम सारे जा रहे हैं भाई। तो जाएंगे किस में वो भी देख लो, अभी हम वहीं जा रहे हैं सामान वामान रखने, सीट वीट लगाने के लिए, फिर तुम देखना। वही अभी तो यहाँ बाहर का काम कर रहे थे, वो तो हुआ नहीं, लेकिन उसके लिए गाड़ी भेजी है अभी, और यहाँ पे आए जूते चेक कर रहा है कि कौन से पहनने हैं। अच्छा जी, क्यों कर रहा है? पहनने के लिए भाई। और सवाल करो डुग्गी भाई का। हेलो गाइस, ढंग से बोल यार, बात बात कर इनसे। तो भाई अभी तो हमारा सारा सामान सेट हो चुका है, अभी फुल सेट हो चुके हैं, मेरे बाल सेट हो चुके हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है बंदी सेट है ना, हो बाल मुझे सेट रहने चाहिए। और अब चलो छोड़ो, सामान वामान भी सारा पैक करके रख लिया है, ये दोनों यहाँ बैठे हैं, बैग भी यहाँ रेडी है, बस अब हमें निकलना है। ये भाई इधर बैठा है, उसको पता नहीं कहीं मजा आ रहा है, अपनी घड़ी में देख रहा है। तो बस यार ये सामान वामान सारा आ चुका, तो बस फटाफट सारा सामान लेंगे, गाड़ी का काम भी हो चुका है उसमें रखेंगे, फिर निकलेंगे अपना हरिद्वार की तरफ। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं गाड़ी में सीधा, सारा सामान वामान भी रख लिया है, यहीं पे आ गया, क्योंकि एक ही गाड़ी है, डोकी वगैरह मैं दोनों पीछे बैठे हैं, बाकी आगे आ जाएंगे। और बाहर खड़े अपने जागेश्वर अंकल और विक्की भाई, वहाँ से आ रहे हैं हमारे दो भाई, छोटे भाई। ये अंशु वहाँ सर कुणाल। ठीक है, तो यार अब बस सारा सामान पैक है, अब हम लोग आ चुके हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। अब तुम रोड थोड़े बहुत रोड शॉट देखोगे, होटल वोटल पर रखेंगे वो देखोगे। तो भाई देखो, छोड़ो यार, ये देखो VIP नंबर 1717 ऑटो पे भाई, बहुत गंदा पैसा है, क्या करें। सबसे पहली बार गाड़ी धोखी है भाई, क्या कर रहा है भाई, कर क्या रहा है? और हमने तो यहीं पे कमरों पर खोल लिया, मस्त सो रहे थे, ये दोनों बेचारे आ गए। ओए ओए, इंस्टा दिख रहा है तेरा, इंस्टा दिख रहा है, नहीं देखनी भाई, प्रमोट मत कर किसी को। हम यहीं पे सो गए थे, बाकी ये कुछ रोड का हाल है, मौसम मस्त हो रहा है, ठंडी रोड हो रही है। कैसी रोड हो रही है? ठंडी ठंडी रोड हो रही है, वाह बात है अंशु। तो चलो यार, मस्त नींद आ रही थी, नशीली आँखें हो रही होगी, देखो नशीली हो रही है, नहीं हो रही है, देखो। चलो यार तुम्हें मिलते हैं। तो भाई अभी हम लोगों ने पहला स्टॉप लिया है, ये कौन सा ढाबा है? शिवा, शिवा ढाबा पे। और मैं फिर से भी नहीं आके नशीली होगी, क्योंकि मैं सो के उठा, बाल भी खराब होंगे शायद से। तो अभी हम तो पीछे थे, पीछे से उतरे हैं और चश्मा ले लेता हूँ ना। सारे खड़े हैं भाई इधर ही, चश्मा ले लिया अभी सही, मैं भी नहीं काट रहा हूँ, मैं भी नहीं काट रहा हूँ, मैं भी चश्मा ले लेता हूँ भाई पहले। तो चल भी तो आ चुके हैं अंदर, ये देखो बिस्तरी का शॉप ना, देखो यार ये क्या देख रहे हो। तुम दोनों का आगे मजा आ रहा है? देखते हैं, हमें पहले ऑर्डर देते हैं, फिर खाना आएगा। तो भाई अब अपने आ चुके हैं यहाँ पे छोले भटूरे, डुकी भाई खा रहे हैं, अभी मेरा आया नहीं है, बाकी कुणाल खा रहा है, इस गरीब का भी नहीं आया, मेरा भी नहीं आया, अभी हमारा आएगा फिर।
तो भाई फिलहाल खाना वाना हो चुका है, मैं सबने खा लिया। बाकी अभी ये लोग भाई इधर शॉपिंग कर रहे हैं भाई, दिख नहीं रहा भाई, दिखाओ शॉपिंग का, दिखाओ। चल जाएगी पूरे दिन उसमें, इधर देख रहे हैं क्या लेना है क्या नहीं। चल जाएगी पूरे दिन भाई, जो तुम चलाने जाओ सब चलेगा। जागेश्वर भाई भी कर रहे हैं शॉपिंग, हम भी कर लेते हैं थोड़ी सी, जो लेंगे दिखा देंगे। देख डुगी का दोस्त डर क्या बेचारा। अरे भाई डुगी मार नहीं सकता तू मेरे को। देखो भाई यहाँ से हमने ये लिया जोकर वाला राइटर, जल रहा है वो तो धूप में नहीं दिख रहा है, ठीक है। मेरे को भी दे दे टॉफी प्लीज। ओ 50 रुपए के चक्कर में तो किसी को लाइटर दूं है, पहले दे तो दे, मत दे यार। चल यार एक आधी फोटो खींच लेते हैं, फिर अपना फिर से सफर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। कर ले कंटिन्यू करें सफर, ऐसे मत किया कर, मैं वो डाल दूंगा थकला वाला, अच्छा नहीं लगेगा। ये सब जो तू बोल रहा है ना अपने मुँह से, इसे मामा भी देख सकते हैं। बाकी ये बता दो चश्मा कैसा लग रहा है? मैं लिया, मैंने मस्त ही लग रहा होगा मेरी फेस शेप के हिसाब से। यहाँ पे बच्चे लोग अपने फोटो खींच रहे हैं, हम भी खींचेंगे, चलो। सो गाइस हम लोग फिर से आ चुके हैं गाड़ी में, ये बेचारा भागड़ उधर क्या देख रहा पता भी ऐसे वीडियो बढ़ रही है। गाने देखो फुल कैडे वाले चल रहे भाई, सही है। क्या चाहिए? पैसे मांगना है। फिलहाल हम लोग गाड़ी में पैसा पिछली बार आ चुके हैं, पैसा नहीं मेरे पास, फिर हम चलेंगे आगे। जागेश्वर भाई जागेश्वर अंका है, दोनों गरीब हैं। तो भाई अभी हम लोग फिर से उतर चुके हैं, हमने एक और ब्रेक लिया है, ठीक है। और यहाँ पे बढ़िया मस्त वाली चीज, काले कुत्ते बड़े हैं इधर, ठीक है। आई होप तुम्हें ना पता होगी या क्या, मुझे भी नहीं पता, मैं बहुत सीधा हूँ ऐसी में। हम लोग उतरे अपने पैसे लेकर में, इधर हमारे जागेश्वर अंकल हैं, और अब हम इधर उतरे हैं गन्ने का जूस के लिए। गन्ने का रस पियेंगे भाई सारे, गन्ने का रस पियोगे क्या? ससुआर अबे सुस तो कर लेंगे। तो भाई हम गन्ने का रस पियेंगे, बाकी अब हम पीछे थे भाई, पीछे थे आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे, ठीक है। बस ये दोनों पीछे जाएंगे फिर, बस भाई अब ज़्यादा नहीं 70 किलोमीटर रह गया हरिद्वार, तो अपनी मौज मौज में चलेंगे। और मौसम ही बहुत बढ़िया होगा, देखो भाई मौसम देखो, बादल लग रहे ना कैडे, हाईवे पे तो मज़ा ही अलग है भाई। सर यार अपना मत देने का जो आएगा तो उसको दे ले भाई। आ चुका है भाई हमारा यही जो भी गन्ने का रस, टेस्ट करो भाई कैसा है, दिखाओ टेस्ट करो भाई, टेस्ट करना यार। गन्ने ऐसा है, अरे वाह, रुक जा रुक जा, मैं दे देता हूँ। अभी तुम लोगों ने मस्त अपने गन्ने का रस पी लिया, गन्ने का रस जैसा डुग्गी ने बताया, गन्ने का रस गन्ने जैसा था, जैसा कुकी ने डुग्गी ने गन्ने का रस गन्ने जैसा था। और ये देखो भाई क्या पेड़ है भाई, देखो भाई क्या पेड़ है बेटे, देखो पेड़ में क्या मस्त छेद है। और ये देखो क्या गाड़ी है, इसका भी रिव्यू आपको जल्दी आएगा, सीट बेल्ट बनी है। वाह क्या मस्त है भाई, मस्त है, पावर स्टीयरिंग है। और ये क्या है, ये देखो मतलब कोई अगर किसी पे घर ना हो यहाँ जाना, मस्त घर है, रह सकते हो। और ये देखो यार अपनी स्कॉर्पियो और अपनी बादलों का क्या मस्त लुक आ रहा है, क्या मस्त पेड़ है, क्या मस्त स्कॉर्पियो है, बस ये लौंडे खराब हैं। ओए ले चाहिए, हाँ ये देखो भाई इसने को क्या दिया, ओए को ऐसे में मैं गरीब हो भेज देता हूँ, हम भी आ जाइए गरीब, गरीब हो यहाँ पे हमारे जागेश्वर अंकल आ गए, नमस्ते। हाँ क्या हाल है तुम्हारे, बहुत बढ़िया, पहले से बहुत बढ़िया हाल है।
अब बहुत बढ़िया बढ़िया चलना चाहिए भाई। चलो भाई फाइनली वी आर एट हरिद्वार। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अपने हरिद्वार। देखो भाई जैसे कि यहाँ पे अपनी गाड़ी हमने पार्क कर दी है मस्त, इधर ये पार्किंग थी ठीक है। और देखो अब यहाँ पे मस्त वाली वाइब्स आएंगी, क्या मस्त पहाड़ हो रखे हैं, देख रहे हो बादल, देखो भाई क्या मस्त हो रहे हैं। और ऐसी उधर मेन रोड है वहाँ जो ऋषिकेश जा रहा है। तो भाई हमने तो यहाँ पर रोका है, अभी का जो तो सीन है हम लोग जो है कार में अलग से बैग है वो मतलब कपड़े वपड़े ले लेते हैं फिर चलेंगे। पहले सीधा नहाने फिर घाट पर नहाएंगे उसके बाद होटल वोटल लेंगे, ट्राई के जो भी प्लान होगा वो देख लेंगे। और यार तुम भी देर हो गए, हम हर बार हरिद्वार ही आ जाते हैं यार। अभी एक तरह देखो एग्जाम ओवर हुए थे और हरिद्वार से अच्छी कोई जगह नहीं है यहाँ जहाँ पर हमें पीस मिले शांति मिले, मस्त मज़ा आता है यहाँ पे, शांति मिलती है अलग ही और यहाँ की बाइक तो अलग ही है। तो चलो यार अभी गंगा घाट पर चलते हैं मस्त नहाएंगे। चलो भाई अभी तो ये बैग वैग ले लिया है इसी में सामान है, तो भाई चलो अब बैग भी हमने ले लिया है चलते हैं। मैं चश्मा निकाल लूँ फिर चलते हैं। तो भाई हम चल रहे हैं घाट की तरफ क्योंकि मैंने बैग लिया है हम जा रहे हैं। देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे शौचालय है जिनमें शौचालय है वो शौचालय जा सकते हैं। चलो बाकी छोटी मोटी मार्केट है। अच्छा जी प्यारा है ये लेना आंटी कुछ नहीं है, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। नहीं बढ़िया है, देखो देखो ये बैग है हमारे किसके लिए भाई, उसी के लिए ये भी उसी के लिए है, ये बच्चों के लिए बस ठीक है भाई। ये किसके लिए है भाई, मेरी बंदी के लिए। अब मेरी बंदी मेरी बंदी नहीं है भाई, मेरी बंदी तू है ना ब्रो। ओह माय गॉड मैंने ये लिया है यहाँ से, यहाँ पे गंगाजल बनना है डोगी को घर के लिए। जय श्री राम बोल, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब बोल अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, बहुत बढ़िया। देखो भाई हरिद्वार की जय हो, हम आ चुके हैं और आगे जस्ट सामने गंगा नदी जहाँ पे लास्ट टाइम भी थे, सेम जगह है लास्ट टाइम। चौमिन मोमोस यहाँ पे भाई, चौमिन मोमोस बनते हैं वो भी खाने के जाएंगे बाद में शाम को शायद, क्योंकि अभी तो नहाना है मेन काम। और सामने देखो क्या चलना है, आरती। सो गाइस हम बस आने वाले हैं इस तरफ से आगे जाते हैं। हाँ हाँ पड़ी पे जाएंगे वहीं में जाएंगे। सो गाइस हाँ सो भाई देखो जरा गंगा नदी आ चुकी है हमारे फ्रेम में, सब बोलो भाई हर हर गंगे। और ये मार्केट अभी है भरी हुई, लास्ट टाइम जब आया था मैं कुछ सुबह बिल्कुल ये खाली थी लग रही थी जस्ट, और अभी का तो सीन है पूरी मार्केट लगी हुई है क्योंकि जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है भाई 3 बजने वाले हैं। देखो क्या मस्त, अभी इसी में नहाने में आनंद आएगा, लास्ट टाइम बहुत ठंड थी लेकिन अभी उतनी ठंड नहीं है तो अभी मस्त मज़ा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ना पाएंगे। लास्ट टाइम तो बस चुप्पी मारी थी कैसे करके और आ गए थे, अब भीड़ देखते हैं कैसी होगी। मेन अभी पौड़ी पे चलते हैं उसके बाद देखेंगे मस्त वाला सीन। बाकी यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो आप, हम नहीं करेंगे ठीक है जी, मिलते हैं आपको पौड़ी पे। वहाँ देखो यहाँ पे बंदे तैर रहे हैं भाई, इतने स्किलफुल बंदे हैं होंगे, इतने स्किल्स मुझे भी चाहिए फिर हम भी तैरेंगे शायद। सो भाई ये देखो सीन, और हम लोग फिर से आ चुके हैं उसी पुल पे। देखो बस देखो क्या मस्त बह रही है, चलते हैं आगे वरना मैं को छोड़ के भाग जाएंगे। ना ना इधर से, ओए यहाँ से कूद जाओ, यहाँ से कूद जाओ, यहीं से कूद जाओ ठीक है। ये वाले पुल पे लास्ट टाइम बहुत तेज़ हवा चल रही थी, इस बार भी चल रही है बस इस बार अच्छी लग रही है क्योंकि ऊपर सूरज भी है वहाँ, और डुग्गी भाई तो आई है, डुग्गी भाई तो हॉट है इसलिए गर्मी है। तो भाई अब हम आ चुके हैं पूरी मेन घाट पे, देखो आज भीड़ ज़्यादा हो रखी है और यहाँ पर अपना सेटअप बिछा लिया है। अब अपने बस पे उतारते हैं ताकि हम गंगा नदी में नहा सकें, डुबकियाँ लगाते हैं। चलो तो मैं पहले कपड़े उतारा फिर देखेंगे। तो भैया हम लोग आ चुके गंगा नदी के अंदर, और पानी इतना ठंडा है कि ठंडा तो है, मैंने अभी तक अंदर नहीं गया, बहुत ठंडा है ठीक है भाई। भोले बाबा की जय, हम डुबकियाँ मार लेते हैं फिर तुमसे मिलेंगे, बहुत ठंडा पानी है।
फिलहाल तो यहाँ के आ चुका हूँ और मैं रेडी हो चुका हूँ, मैं जूते पहनने हैं। बाकी अंशोर डुक्के पे भी नहा रहे हैं, वो आएंगे फिर वो भी रेडी होंगे। कुणाल हो गया रेडी, मैं भी रेडी हूँ, नई नई कपड़े पहने हैं, सही लग रहा हूँ शायद, शायद नहीं है पक्का। बाकी बात चेक नहीं है, वो बाद में हो जाएंगी, वो दोनों नहा के आएंगे, अभी वो पहनेंगे तो उनको दिखाता हूँ मैं। हेलो करो, हेलो अबे वो डुब, ओए रुकी, हेलो कर रुकी, स्विमिंग करा स्विमिंग, साढ़े बह जाएगा। ओ अबे संजय वारक नहीं है, चल बाहर निकल। आ जाओ आ जाओ, भाई मैं तो नहा लिया हूँ यार, ये लोग नहा रहे हैं मस्त। इधर का सीन देखो, वहाँ देखो कुछ हो रहा है, कोई पूजा वूजा ही हो रही है। बाकी फुल देखो क्या मस्त लग रहा है, यहाँ पे इतना मस्त सीन है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। बाकी हमारे बंदे तो नहा रहे हैं, इसको तो हमारी चिल्ला रहा है, दिखा क्या दिखाएगा। आ जाओ चलो भाई, हम तो चलते हैं, ये आ जाएगा। छोटू डुक्की भी आ चुके हैं और इसकी नौटंकी देखो तो क्या लेके आए हैं, क्या करेगा इसका भाई, अबे मुंगो चुपा दिखा। ये अच्छा क्या करेगा घर पे, क्या सजाएगा। अबे चलो भाई मैं से भेज के आता हूँ, छोड़ो यार रख लेता बेचारा, इतना दिल से लाया है। ओए चेंज कर मैं दिखाऊंगा मम्मी को, बोल दूंगा। दुखी भाई का कारनामा। ये तो पक्का डलेगी पक्का। पहनते हुए देखो वो तारे में देखा है, ओए 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 ओए। दोनों भाइयों का प्यार, ये ओए ओए, ये देखो QR कोड। 1, 2, 3, 4 My darling, I love you, 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 I